हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबलस एडियो में। दोस्तों, एसएससी के जो टीयर टू की पहली, जिसे एसएससीजीएल मेंस भी कहते हैं, उसकी परीक्षा अभी अभी ख़त्म हुई है और हम आपके पास लेके हैं एनालिसिस। हम हर क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको पूरा जो आप ढूंढने चाहते हो इस 10 मिनट के अंतराल में ये समझा देंगे कि कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं और हमारे डिफिकल्टी लेवल क्या थे। बहुत सारे दिमाग में आपके क्वेश्चन चले हुए हैं और बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने जितने बच्चों से पूछा है, तो सबसे पहले हम आपके पास ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो घबराने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एसएससी का जिस तरह का फॉर्मेट रहता था, जिस तरह की चीज़ें रहती थी, वही हुआ है। मैं आपको फॉर्मेट से जा दूँ बिल्कुल, आप लोगों को क्या करना था, 60 मिनट्स का जो सेक्शन वन हुआ था वो खत्म होते ही सेक्शन टू स्टार्ट हो गया था। जैसे ही सेक्शन वन में आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग थे और चाहे तो आप स्विच भी कर सकते थे, है? आप डायरेक्टली रीजनिंग का क्वेश्चन उठा सकते थे या मैथ का क्वेश्चन, जो ऊपर अटैप था तो सब लोगों को कहीं कई डिफिकल्टी हुई, आप स्विच करके दूसरे पे जा सकते, लेकिन आप पेपर को पहले सबमिट नहीं कर सकते। दूसरी कहानी, जैसा एसएससी ने बताया था कि आपका जैसे ही वो सेक्शन खत्म होता है तो सारे बच्चों का अगला सेक्शन एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, है ना, जो कि इंग्लिश और आपका जीके का था, उसमें भी आप स्विच कर सकते थे, है ना। ये था। फिर उसके बाद कंप्यूटर के एप्लीकेशन में पांचों की चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा कि किसमें क्या क्या कैसे रहा, है ना। ये आपका पूछा गया, ये जितना भी इंफॉर्मेशन अभी तक जितने बच्चों से मिली है, हम मैं आपको डायरेक्टली पहुंचाना चाहता हूं, डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूं कि कितना रहे, क्योंकि आप लोग सब लोग इसी के इंतजार में है। देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं एक करके स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं आपके जीके के जितनी हमें जानकारी मिली है, तो करंट इसमें आपका करंट के आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, 25 में से करंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, और करंट के जो क्वेश्चन थे आपके, वो करंट के आपके 2023 से जहां तक जानकारी मिली है, 2023 से नहीं पूछेगा, मतलब जनवरी फरवरी जो महीना बीता है उसके क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थे आपके 2022 के। अब किस तरह के क्वेश्चन आए थे, आपके प्राइजेस पे क्वेश्चन था, जो अभी भी रिसेंटली यह गया हुआ है आपका पद्म भूषण पे, पद्मश्री, उस लिस्ट को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, जो कि आपकी भारत की आज़ादी है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एंशियंट और आपके मिडिवल से क्वेश्चन 2 और 3 थे। साथ में एसएससी ने सबको बराबर करने की कोशिश की थी, तो जिसमें आपका ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन था, किसी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो क्या था आपको थोड़ी देर में बाद में अपलोड हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। साथ में आपका करंट के 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए, स्टैटिक के वो थे, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, जिस तरह से पैटर्न उसने अपना वो रखा था वो उसी तरह का रखा हुआ है। तो आप लोगों को ये सलाह होगी मेरी तरफ से कि आप क्या कीजिए, 2022 का आप लोग दोस्तों जीके कर लीजिए, ज्योग्राफी क्वेश्चन था, एंशियंट में से 2-3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के आपके फंडामेंटल राइट्स वाला था उसमें से क्वेश्चन था, तो आप उस सबको आराम से दोस्तों कर सकते हैं। नोबेल प्राइज भी छोड़ के मत जाओ, उसमें से भी एक क्वेश्चन, उसमें से मतलब प्राइजेस का क्वेश्चन था। तो ये था दोस्तों आपका जीके का। बात आते हैं हम लोग जीके के साथ, है ना, उल्टा चले रहे हैं, तो बात आती है दोस्तों इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। इंग्लिश में कहा जा रहा था बहुत लंबे लंबे पैसेज होंगे, क्या बैंकिंग लेवल, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी अभी तक एसएससी का पैटर्न रहा है, जैसा सीजीएल का, टीयर टू का, उस तरह का, उसी तरह से का पैटर्न हुआ था। मैं बता दूं यहां पे आपको एक्टिव पैसिव था, बिल्कुल था, इसके आपका एक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन थे जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली। पैराग्राफ दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो पैराग्राफ के क्वेश्चन थे वो आपके 2 अनसीन पैसेज दिए गए थे, 4-4 क्वेश्चंस के आपके 2 पेंसिल पैसेज थे, टोटल आपके 8 क्वेश्चन यहीं पे हो गए थे। साथ में आपके दोस्तों एक पजल टेस्ट था, पजल मतलब फिल द ब्लैंक्स वाला, है ना, फिल द ब्लैंक्स आपके थे, जिसमें आपका ग्रामर भरना था, फिल द ब्लैंक्स, एंटोनिम पूछा गया था, एक सिनोनिम भी पूछा गया था, दो क्वेश्चन सिनोनिम के थे दोस्तों, एक एंटोनिम के था, साथ में आपके एडियम एंड फ्रेजेस और वो थे। ग्रामर के टोटल आप जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन थे एरर फाइंड करने वाले, है ना, एरर फाइंड करने वाले 7-8 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो इस तरह से वो रहा है। तो मेरी सलाह ये रही कि इंग्लिश में आप घबराइए कि मतलब इंग्लिश में क्या करना है, कुछ बहुत बड़ा पैसेज कुछ ऐसा नहीं आ रहा कॉम्प्लिकेटेड, है ना, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप इजीली उन्हें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये क्या है, आपने जिन जिन स्टूडेंट्स ने, मैं पहले भी कह रहा था इसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब सारे कर जाओ, जिस स्टूडेंट ने मेरी वो बात मानी होगी वो आज फायदे में रहा होगा, वो आज अच्छे से फायदे में रहता। मैथ में आने से पहले, बहुत लोगों को मैथ में दिक्कत होती है ना, मैथ में हमेशा फंसे रहते हैं, तो मैथ से पहले एक रीजनिंग आपको जरूर बता दूँ।
पहले दोस्तों वो लोग जो पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इतना मतलब डाटा लिया, एकदम भाग के गए, किसी ने भाग के बताया, एकदम फ़ोन करके बताया, एकदम फटाफट हमने मतलब कोशिश की कि दो मिनट के अंदर अंदर चीज़ें जितनी हो सके, जितनी आप जानना चाहें वो हम आप तक पहुंचा दें। तो रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में जिस तरह से बात की जा रही थी कि भाई बैंक की तरह आएगा क्या, बैंक की तरह नहीं दोस्तों। हाँ, एक क्वेश्चन आपका सेटिंग अरेंजमेंट का था, एक क्वेश्चन आपका सिटिंग एनिमेट का, लेकिन बैंक की तरफ पैराग्राफ नहीं था। एक स्टूडेंट बोल भी रहा था कि सर बड़ा था, मुश्किल था, तो रीजनिंग थोड़ी सी सोचने वाली आ रही है, बिल्कुल हलवा नहीं आ रही है, लेकिन वो बैंक के लेवल की नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, है ना। आप इसमें बैंकिंग में आपका बिल्कुल मिरर इमेज आया था, है ना, एक मिरर इमेज के क्वेश्चन था, एक आपका ये फाइंडिंग द सीरीज था, फाइंडिंग द सीरीज जैसा कि वो आपका आता रहता है, फिर आपका ऑड वन आउट निकालने को भी था, ऑड वन आउट, इस तरह के क्वेश्चन थे आप लोगों को दोस्तों बैंकिंग में। फिर मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर जिसने अच्छे से किए थे उसी लेवल के क्वेश्चन एसएससी ने मेंटेन किए हैं, कोई एकदम अजूबा चीज नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह की थी, आ जाते हैं हम अपने मैथमेटिक्स पे, जिसकी इंतजार आप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, मैं आपको ये उम्मीद है, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए इसको। अब मैथ का पेपर कैसा था, है ना, मैथ्स का पेपर कैसा था, तो देखो दोस्तों मैथ का कोई भी कहानी जो फैली हुई थी बैंकिंग में आएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए थे, इस तरह के बोतल नहीं किए। हाँ, उन्होंने बोला कि अरिथमेटिक कुछ लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेटिव जरूर लगी, लेकिन ये दोस्तों कुछ लोगों को लगी है, बाकी लोगों को आसान, मतलब इन द सेंस मैं ये पेपर को मॉडरेट कंसिडर करूंगा कि अर्थमेटिक ये था। एडवांस के आपके दोस्तों ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तीन या चार थे, और तीन चार में ज्योमेट्री के क्वेश्चन में दोस्तों आपका एंगल निकालने को एक क्वेश्चन आपका दिया गया था, जिस तरह के किस तरह के एग्जैक्ट क्वेश्चन होंगे मैं बिल्कुल क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या हम कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में कि वो क्वेश्चन जिस तरह के स्टूडेंट्स ने बताया या फिर वो किया उसी तरह के उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको शायद पहुंचा पाए। तो एडवांस के आपको ज्योमेट्री क्वेश्चन थे, एंगल निकलने वाले क्वेश्चन थे, आपके मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के जिसमें आपका एक तो वही वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम उसमें जाके ट्रांसलेट होता, वो वाले क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के आए थे। अर्थमेटिक में दोस्तों सीधे सीधे बता दूं आपको, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के आपके दो क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क बिल्कुल एक क्वेश्चन था जिसमें वो एक काम छोड़ के चला जाता है, उस वाली की कहानी थी कि एफिशिएंसी कुछ निकालनी थी, ऐसा जैसे हमें बताया गया। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल आप जो जानना चाहते हैं, जानना यही चाहते हैं कि क्या बैंकिंग लेवल था, नहीं बैंकिंग लेवल नहीं था। अब बात आ जाती है नई की मीन मीडियन मोड, तो देखो दोस्तों अभी तक तो किसी ने मीन मीडियन मोड की कहानी नहीं बताई, स्टैट वाली प्रोबेबिलिटी में भी कहा, बहुत छोटी सी प्रोबेबिलिटी किसी डाइस के थ्रो करने वाली थी वो आई हुई थी, और आसान वाली प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं। तो जो नया सिलेबस ऐड करने पे जो हवा बनाया हुआ था कि इतना मुश्किल होगा, 12th लेवल का 11th लेवल का करवाया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ऐसा आपका कुछ भी नहीं आया। तो आप लोगों को सलाह कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी और क्या बताया था, उन्हें स्टैट्स बताया था, मैं बताया टाइम एंड वर्क बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस बताया था, वही मिला जुला के आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम कर चुके, वही मिला। अच्छा हाँ, नंबर सिस्टम में जब वो बोल रहे थे यूनिट डिजिट निकालने के हिसाब से एक क्वेश्चन हो गया था, नंबर सिस्टम से आपके नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन इससे हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक सेक्स स्क्वायर थीटा वाला कुछ क्वेश्चन था जिसमें आप वैल्यू पुटिंग से, शायद वो हो सकता था, कुछ लोगों ने कहा कि सब वैल्यू पुटिंग से कर पा रहे थे, कुछ ने कहा कि नहीं उसको सॉल्व करना ही था, तो जैसा ही है, देखो कुछ लोगों ने तो वो किया तो तुक्के मार नहीं, ये है वो है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल अटेम्प्ट उन्होंने कैसा दिया, ये थोड़ा सा विलम्ब के साथ कि किस तरीके का अटेम्प्ट आपका कितना सही रहेगा, इस पेपर में अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो अच्छा स्कोर आपने किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी अभी तक की, आपको कोई डाउट हो, कुछ कुछ भी हो, एग्जैक्ट पूछना है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे किस तरह की जैसी आई थी, जिन स्टूडेंट ने बताया हमें उस हिसाब से और कॉन्टैक्ट होगा, थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन मोटा मोटा ये है हमको क्या करना है, आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख जाना है, कल जिनका एग्जाम है वो भी कर लें, 3 और 4 का जिनका एग्जाम है वो भी कर लें, कुछ नहीं है, जीके पढ़ो आप, लास्ट ईयर की एक साल की जीके करंट स्टैटिक पढ़ो, है ना, करंट की पढ़िए, स्टैटिक की पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो आप कर चुके होंगे, इतना मन को शांत रखिए क्योंकि दिन आपका है, चीज़ें आपकी हैं, तब तक लिए हम वो आपसे विदा लेते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी। कल क्या, अभी मैं आपको दोस्तों 2:40 पे मैं कंप्यूटर का क्लास, वो
खत्म होगा तो मैं उसका भी एनालिसिस करके दूंगा कि किस तरह का आपका पेपर था। तब तक के लिए 240 पे फिर इंतजार करते हैं। बाय बाय दोस्तों।